मां दुर्गा दी सत्तवीं शक्ति कालरात्रि दे नां तों जानी जांदी है। दुर्गा पूजा दे सत्तवें दिन मां कालरात्रि दी आराधना हुंदी है। दुर्गा मां दे इस रूप नूं मां काली, महाकाली, भद्रकाली, भैरवी, मृत्यु, रुद्राणी, चामुंडा, चंडी अते दुर्गा दे कई विनाशकारी रूपां चों इक मन्निया जांदा है। कहा जाता है कि देवी दे इस रूप की आराधना करन दे नाल कोई राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच या फिर नकारात्मक ऊर्जा भी नेड़े नहीं आती अते इन्हां दा देवी मां नाश कर दीए। मां कालरात्रि दा स्वरूप देखने दे विच तां बेहद भयानक है, पर यह हमेशा शुभ फल देन वाली देवी ही कहाउंदी है। इस कारण इन्हां दा नाम शुभकारी भी है। यह भी मन्निया जाता है कि मां कालरात्रि की आराधना दे नाल ग्रह दोष भी खत्म होंदे ने अते ग्रहां वालियां रुकावटां दूर हुंदियां। मां भगवती अपने अन्नत रूप धारण करके जब महिषासुर नामक जो दैत्य था वो देवों को जब परेशान दुख देने लगा, कष्ट देने लगा और हर ऋषि मुनि ब्राह्मण संत इत्यादि का जब वध करने लगा और जो उसके सेनापति थे शुंभ और निशुंभ, ये जो दैत्य थे ये भी उसी के प्रकार आतताई थे। उनके जो सेनापति थे वो जा कर के और पूरी सृष्टि में हर देवों का वध करते हुए, देवों को मारते हुए, काटते हुए, उनके राज्य को जीतते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं और सभी के साथ युद्ध करने के बाद जब भगवान शिव के समक्ष प्रस्तुत होते हैं और भगवान शिव से युद्ध करने की घोषणा करते हैं तो भगवान शिव जो आदि अनंत को जानने वाले हैं, हर भूत, भविष्य और वर्तमान को जानने वाले हैं, वो जानते थे कि किस प्रकार इन दोनों दैत्यों का वध हो सकता है और कौन कर सकता है। उन्होंने माँ पार्वती की तरफ इशारा किया कि आप माँ दुर्गा का रूप धारण करके इन दैत्यों का वध करो। भगवान शिव के इशारे को पाकर के माँ पार्वती ने माँ भगवती राजराजेश्वरी माँ दुर्गा का रूप धारण करती हैं और दुर्गा का रूप धारण करने के बाद वो शुंभ और निशुंभ नामक दोनों दैत्यों का वध कर देती हैं। और वध करने के बाद जब ये खबर आगे उनके राक्षसों को पता चलता है, उसमें एक उनकी सेनापति में एक सेनाओं का एक अधिपति, एक अध्यक्ष होता है जिसका नाम होता है रक्त बीज। रक्त बीज का मतलब क्या होता है? रक्त बीज का मतलब होता है कि उसी के रक्त से अर्थात उसी के खून से ही दूसरे व्यक्ति का प्रादुर्भाव हो जाना, उसे कहते हैं रक्त बीज। वो रक्त बीज जब होता है वो जब अपने साथी सुम्भ निशुंभ का वध के बारे में सुनता है तो बहुत ही क्रोधित होता है और क्रोध करके वो जा करके माँ भगवती से युद्ध करने के लिए अग्रसर होता है और माँ भगवती दुर्गा से वो युद्ध करता है। युद्ध करते करते जैसे माँ दुर्गा ने अपने अस्त्र से रक्त बीज को मारा और उसके शरीर से एक बूंद रक्त जैसे ही भूमि पर गिरा वैसे ही उसके जैसे दूसरा रक्त बीज का प्रादुर्भाव हो गया, अर्थात उसी के समान बलवान, उसी के साथ, उसी के समान हष्टपुष्ट, उसी के समान दिखने वाला, उसी के साथ समान रूप, मतलब कि एक जिस प्रकार पहला रक्त बीज था उसी प्रकार दूसरा भी रक्त बीज का प्रादुर्भाव हो गया। इसी प्रकार रक्त बीज की संख्या बढ़ती चली गई, 100 से हजार, हजार से लाख, लाख से करोड़, करोड़ों से अन्यत्र संख्या में वो बढ़ गया। जब माँ दुर्गा देखी कि इसकी संख्या तो बढ़ती जा रही है और इसको मारना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, तब उन्होंने अपने धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ा करके टंकार दिया और बहुत ही विकराल शब्द को नाद करते हुए उन्होंने माँ भगवती कालरात्रि का रूप धारण किया। और कालरात्रि का रूप धारण करने के बाद उन्होंने रक्त बीज का मारना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही रक्त बीज को मारती और जैसे ही रक्त बीज के शरीर से रक्त गिरता, माँ भगवती जो खप्पर हाथ में लेकर के रखती हैं उस खप्पर में उस रक्त को रोक लेती हैं और रोक करके उस खप्पर से उस रक्त को पान कर जाती हैं और रक्त को पान करते ही वो जो रक्त बीज होता है वो रक्त बीज समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार जब माँ भगवती
पार्वती काल रात्रि का रूप धारण करके रक्त बीज का वध कर देती हैं और वध करने के उपरांत उसी प्रकार अपने क्रोध अपने आवेश में आकर के उसी प्रकार रणभूमि में रणक्षेत्र में भ्रमण करने लगती हैं और जो भी उनके समक्ष आता है उनको वो मार देती हैं, उनका वध कर देती हैं। ये दृश्य देख करके सभी देवों में त्राहि त्राहि मच गया कि जो इस जगत की रक्षा करने वाली है, इस जगत की कल्याण करने वाली है, वो जगदम्बा राजराजेश्वरी आज इस पृथ्वी इस सृष्टि का भक्षण कर रही है। तो सभी देवों ने मिल करके भगवान शिव से निवेदन किया कि हे प्रभु आप माँ काली को शांत करें। तो भगवान शिव उसी समय जा करके माँ काली के समक्ष लेट जाते हैं और जैसे ही माँ काली का पैर भगवान शिव के छाती पर हृदय पर पड़ता है वैसे ही माँ काली जैसे ही उनको देखती हैं उस शर्म से उनका सर झुक जाता है और जिह्वा उनकी बाहर निकल जाती है। तो माँ कालरात्रि का हम आज इसी प्रकार उनका पूजन करते हैं, माँ कालरात्रि को विशेष करके उनको गुड़ का प्रसाद और चने का प्रसाद का भोग लगता है। नरातियां दे सत्तवें दिन दुर्गा माँ दे इस कालरात्रि रूप दी पूजा अर्चना कीती जांदी है। आखदे ने कि नरातियां दे सत्तवें दिन देवी माँ दे इस रूप दी पूजा करन दे नाल सारे पापां तों मुक्ति मिलदी है अते दुश्मनां दा नाश वी हुंदा है। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक सवेरा टीवी।